आपको बता दें कि एफटीएससी और सेंसेक्स में 16 जून को बदलाव होने वाला है। बदलाव का क्या असर होगा, कहां पर दिख सकता है असर, ये पूरी डिटेल्स के साथ अशीषा हमारे साथ जुड़ गई है। अशीषा बताइए। जी हाँ, MSCI इंडेक्स रीजेक के बाद कल सेंसेक्स और फुटसी इंडेक्स का भी रीजेक होगा जो 19 जून से इफेक्टिव हो जाएगा। इनफ्लोस की बात करें तो करीब करीब 150 टू 200 मिलियन यूएस डॉलर्स का इनफ्लो एक्सपेक्टेड है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की भी बातचीत कर लेते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो, PNB और बजाज फाइनेंस, ये कुछ कंपनीज हैं जिसमें इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है। कुछ IT कंपनी से आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड है। इन्फोसिस, HCL टेक, TCS जैसी IT कंपनी से आउटफ्लोज देखने को मिला गया रीजिक के चलते। इसके अलावा एक्विटा, स्मॉल फाइनेंस बैंक और HUL से भी आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड है। अदानी एंटरप्राइजेस को सबसे ज़्यादा इनफ्लो मिलेगा, करीब करीब 71 मिलियन यूएस डॉलर्स का इनफ्लो एक्सपेक्टेड है। सेंसेक्स रीजिक की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर फ्लोज में इतना एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, कुछ माइनर इनफ्लो आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड है। इनफ्लोज की बात करें तो HDFC ट्विंस, ICICI बैंक, ITC में इनफ्लोज देखने को मिलेंगे और आउटफ्लोज में कुछ IT कंपनीज का नाम शामिल है। इन्फोसिस, रिलायंस, TCS, L&T और HUL में आउटफ्लोज देखने को मिल सकता है इस रीजिक के चलते। सो इस सेंसेक्स और फुटसी रीजिक के चलते इन सभी स्टॉक्स पर फोकस रहेगा। शुक्रिया अशीषा पूरी डिटेल्स लाने के लिए। कौन से बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे फुटसी में और सेंसेक्स में, जो ये बदलाव होने वाले, किन स्टॉक्स का यहाँ से आउटफ्लो होगा और कहाँ किन की एंट्री होगी। चलिए लेकिन आगे